हेलो एवरीवन, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मसाला भिंडी की रेसिपी। आपको या आपकी फैमिली में किसी को भी भिंडी पसंद हो तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इसको बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनाया है एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पैन ले लेंगे। पैन में मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, एक चम्मच काली मिर्च, साबुत काली मिर्च, एक चम्मच ही साबुत धनिया, हाफ टी स्पून जीरा, चार सूखी लाल मिर्च। इन मसालों को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। फिर उसी पैन में हम ऑयल ले लेंगे। ऑयल यहाँ पर मैंने सरसों का ऑयल लिया है, 3 से 4 चम्मच बड़े मैंने ऑयल लिया है। उसको अच्छे से गरम करके हम अपनी भिंडी को फ्राई कर लेंगे। हमें यहाँ पर 70-80% के लिए भिंडी को फ्राई करना है। तो यहाँ पर हम मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए चलाते हुए भिंडी को फ्राई कर लेंगे। आप भिंडी को किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, मैंने इसको लंबा लंबा ही कट किया है। तो चलाते हुए हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए भिंडी हमारी 3 से 4 मिनट मुझे हो गए हैं यहाँ पर कंटिन्यूसली चलाते हुए फ्राई करते हुए। तो इसको अब हम निकाल लेते हैं। तो उसी ऑयल में मैंने फिर हाफ टी स्पून जीरा ऐड किया है और 2 ही मीडियम साइज के प्याज और 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ली है। आप स्पाइसी कम खाते हैं तो आप 1 से 2 ले सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज हो जाए जब तक कुक कर लेंगे। तो देखिए प्याज हमारी थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है इसका। अब यहाँ पे मैंने जो ड्राई मसाले हमने रोस्ट किए थे स्टार्टिंग में, उसी में मैंने 2 टमाटर डालकर मिक्सी में ग्राइंड कर लिए थे, उसका एक पेस्ट बनाकर मैंने यहाँ पर ऐड किया है। इसको भी मैं 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पका लूँगी। अब मैंने यहाँ पर मसाले ऐड किए हैं, नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर। मसाले ऐड करके हम इसको अच्छे से चलाते हुए मिक्स करके अपने मसाले को अच्छे से पका लेंगे जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देता। तो देखिए यहाँ पर मसाला मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है। अब जो फ्राई करी हुई भिंडी थी वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। अब इस मसाले को भी भिंडी के साथ हम करीब 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो भिंडी में अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो सके और भिंडी में टेस्ट मसालों का आ सके। तो ढक के 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ही कुक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑयल कितने अच्छे से भिंडी ने छोड़ दिया है। तो ऑलमोस्ट हमारी मसाला भिंडी तैयार है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी 1/2 टीस्पून कस्तूरी मेथी हाथ से क्रश करके ऐड की है, इससे इसका टेस्ट और इनहैंड हो जाएगा। तो मसाला भिंडी की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। आप इसको रोटी के साथ, पराठों के साथ इंजॉय कीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।